नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं झारखंड की खबर पर। बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड स्थित तेलु पेटरवार चौक पर रांची कोपर सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत का पुतला दहन किया गया। इंस्पेक्टर पर आदिवासी समाज के लोगों के साथ गाली गलौज करने का आरोप। बता दें कि इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें इंस्पेक्टर ने कोपर की रहने वाले पीड़िता मीना देवी व उनके परिजनों पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। दरअसल मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। बीते सप्ताह जमीन विवाद को लेकर आदिवासी समाज के लोग रांची के सदर थाना पर घेराव कर रहे थे। इस दौरान थाना प्रभारी के द्वारा कई बार भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में भीड़ के उग्र व्यवहार से नाराज थाना प्रभारी अचानक आदिवासी समाज के लोगों को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे, जिससे आदिवासी समाज के लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश था। उसी को लेकर आदिवासी युवा शक्ति के द्वारा पेटरवार बस स्टैंड से सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष जुलूस के साथ पुतला लेकर टेलीकोवर्ट चौक पहुंचे और नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए गिरफ्तारी की मांग सरकार से। क्या मामला है? मामला ये है कि रांची कोपर थाना क्षेत्र में आदिवासी जमीन के मामले में, जब मामले के आवाज़ उठाने के लिए हम लोग गए तो थाना प्रभारी ने उसने गाली गलौज करके असब ड्यूटी करके उन लोग को भगाया। ये कैसे प्रशासन है, कैसे पुलिस है? दहन किया गया है, इसके बारे में आपका क्या? दहन किया गया है, ये जो रांची में सदर थाना के जो महिला हो आदिवासी महिला पर जमीन के मामले में कोई केस आया था, उसमें बड़ा बाबू वहाँ का दरोगा साहेब ने वहाँ पे जो महिलाएं थी उन लोग से एकदम अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ गाली गलौज किया। अगर मान लीजिए कोई आपके पास दरखास्त किसी मामले में थाना जाता है मदद मांगने के लिए, तो आप ऐसे ही क्या किसी को मतलब गाली दे करके भगा दीजिएगा? अगर थाना बनाया किस लिए गया है? मदद के लिए बनाया गया ना, वहाँ पे आम जनता की पब्लिक के लिए मदद के लिए बनाया गया है ना, उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। मगर वो ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे जाइए आप थाना में, अगर किसी चीज़ के लिए आप जा रहे हैं ना तो थानेदार आप आपको मदद नहीं करेगा, आपको भगा देगा। पता नहीं अब वो काम क्या करेगा, अपने नेतागिरी करेगा, लोगों को कह रहा है कि नेतागिरी करता है। वहाँ पे महिलाओं के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया गया, इतना आदि को लेकर किया गया। अब यह विगत कुछ दिनों में रांची सदर थाना में एक मामला आया था, जहाँ पे हमारे आदिवासी समाज के कुछ महिलाएं एक जमीन का मामला लेके न्याय की उम्मीद पे लेके वो थाना पहुँचे हुए, जहाँ पे न्याय तो नहीं मिला लेकिन गाली गलौज माँ बंद को लेके, मतलब मत पूछिए कि अपमानित करने का एक सीमा होता है, वो खुलेआम इस तरह से पुलिस प्रशासन के लोग, महकमे के लोग इस तरह से आदिवासी समाज को गाली गलौज अभद्र टिप्पणी किए थे, और मतलब शर्मसार करने वाली घटना है। और उसी के विरोध में चूँकि अभी तक उचित कार्रवाई नहीं हो पाई, SC ST थाना में FIR तो कर दिया गया लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवी 24।